मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेजिटेबल विद नूडल्स बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और अच्छी बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने एक टेबल स्पून गार्लिक लिया, इसे चॉप कर लिया है। एक कप गाजर लिए, एक कप शलजम, एक कप हरी प्याज, एक कप हरी प्याज की प्याज लिए है, और बंद गोभी लिए एक कप, कॉर्न लिए हाफ कप, और हाँ, और ये एक अदद मैंने शिमला मिर्च लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। अब इस एक पैन लिया मैंने, उसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालने के बाद 3 लहसुन के जवे थे, 2 से 3 चॉप किए हुए, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। फ्राई हो रहे हैं, देखिए ये हो गए हैं, तो अच्छी से खुशबू आ रही है। अब मैं गाजर डालूंगी, गाजर ज़रा हार्ड होती है इसलिए मैं गाजर पहले डालूंगी और इसको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूंगी। इसको फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप शलजम डालूंगी और इसको भी फ्राई करूंगी। इनसे 4 मिनट हो गए गाजर को फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें 1 कप प्याज डालूंगी। ये हरी प्याज की प्याज है, हरा हिस्सा मैं बाद में डालूंगी, इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। प्याज को भी मैंने 2 मिनट तकरीबन फ्राई कर लिया है। देखिए सब्जियों को हम ज़्यादा गलाते नहीं हैं, इसको बस हल्का सा ही फ्राई करना है, तो आधी कच्ची रहें थोड़ी और हल्की सी फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। इन सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी तो इनका टेस्ट वो नहीं आएगा। अब देखें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब देखें मैं स्वीट कॉर्न डालूंगी, 2 टेबल स्पून है स्वीट कॉर्न, मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे फ्राई करूंगी। और मैं फ्राई जो है वो दरमियानी आँच पर कर रही हूँ, मैं सब्जियाँ फ्राई, इसको भी मैं 1 मिनट फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप बंद गोभी डालूंगी, इसको मैंने काटी है, इसको भी मैं अच्छी तरह 1 मिनट पकाऊंगी, फ्राई करूंगी। तो डाले हुए ये भी फ्राई हो रही है। अब मैं शिमला मिर्च डालूंगी 1 अदद, मैंने उसको काट लिया था, अब इसको भी मैं फ्राई करूंगी। टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डालूंगी। अब देखिए ये सब्जियां तकरीबन फ्राई हो गई हैं। अब 1 कप मैं इसके अंदर हरी प्याज का हरा हिस्सा डालूंगी और बस इसको 10 सेकेंड ही पकाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। ये रेडी है। मैंने ये नूडल लिए हैं, ये तकरीबन 120 ग्राम है, अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब इसमें मैं नूडल डाल दूंगी, इसको बॉयल कर लूंगी अच्छी तरह। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी ताकि नूडल चिपके नहीं। देखें नूडल बॉयल हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह। मज़ेदार नूडल्स विद वेजिटेबल तैयार हैं। इंजॉय करें। खुदा हाफिज़।